फैसला आएगा भैया, ये अगला निर्णय क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी अब्दुल करीम चुंडा के विरुद्ध। सरकार कोई कार्रवाई होगी आगे? हाँ, जो भी है वो सब ऑर्डर डिटेल में पढ़ने के बाद बताएंगे। क्या रही जो वो आदेश आएगा, पढ़ेंगे उसके बाद बताएंगे। हमीद और इरफान का क्या रहा सर? एलआई उमर कैद। हमीद और इरफान, तो देखिए बड़ी खबर यह है हिमाद्री की, जो दो आरोपी थे बाकी हमीद और इरफान, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन जो मास्टरमाइंड था अरी अब्दुल करीम टुंडा वो यहाँ पे बरी हो गया है। और प्रोसिक्यूशन के लॉयर हैं भवानी सिंह रोहिला, वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो एकमात्र विकल्प जो बचता है प्रोसिक्यूशन के पास वो यही बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और जिन बेसिस पर, अभी वो भी बता पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे कि किन आधारों पर कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। शुक्रिया अभिजीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको बता दें कि जो दो अन्य आरोपी हैं, उन दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई है, लेकिन वही आरोपी अब्दुल करीम टुंडा पर आरोप तय नहीं होने के चलते उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया आतंकी को। और वही हमीद और इरफान जो दो आरोपी हैं, उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है, और अब प्रोसिक्यूशन का कहना है कि अब सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। तो फिलहाल ये बड़ी खबर अजमेर की टाडा कोर्ट का, 31 साल बाद 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों पर ये फैसला। मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा बरी हो चुका है, और कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कौन से बेनिफिट्स उसे मिले हैं बरी होने के लिए, कौन कौन से वो मुख्य बिंदु थे जिनके चलते आरोप तय नहीं हो पाए। और वही साथ ही जो दो आरोपी है उन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। वहीं आपको बता दें कि अब सिर्फ एक रास्ता बचा है सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि प्रोसिक्यूशन सुप्रीम कोर्ट जाएगा इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन फिलहाल अजमेर की टाडा कोर्ट का 31 साल बाद यह बड़ा फैसला, आरोपी टुंडा को बरी कर दिया गया है 1993 सिलसिले वार बम ब्लास्ट के मामले से। आपको बता दें कि टुंडा वही आतंकी है, जब 2001 में संसद भवन पर हमला हुआ था तो भारत ने पाकिस्तान से जिन 20 आतंकियों के प्रत्यर्पण की मांग की थी उनमें से एक नाम टुंडा का भी शामिल था। टुंडा के खिलाफ 33 मामले दर्ज है अलग अलग प्रकार के, 1997 से 98 में उस पर करीब 40 बम धमाके के आरोप है। टुंडा उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के कस्बा पिलखुआ का रहने वाला है। वही 1980 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों के संपर्क में आया था, लश्कर ए तैयबा से भी नाम जुड़ा है। तो लेकिन अब ये बड़ा फैसला, बरी कर दिया गया है टुंडा को 1993 में हुए सिलसिलेवार बम ब्लास्ट के मामले में। 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, मुंबई और सूरत की ट्रेनों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसे लेकर अजमेर स्थित टाडा मामलों के विशेष न्यायालय में सुनवाई पूरी हो चुकी है, और आज यानी कि 29 फरवरी को यह फैसला आया है। नाता निर्दोष है, माननीय न्यायालय के ने आज यह फैसला दिया है। अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने हर धारा, हर सेक्शन, हर एक्ट से बरी किया है। सीबीआई प्रोसिक्यूशन अदालत में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा एक्ट, आईपीसी, रेलवे एक्ट, आर्म्स एक्ट, विध्वंसक विस्फोटक अधिनियम, किसी मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। शुरू से हमारा ये कहना था, मेरे मुवक्किल का ये कहना था कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है। अब्दुल करीम टुंडा की निर्दोषिता आज न्यायालय में एक बार फिर साबित हुई है। अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा पर आतंकवाद के जो चार्ज थे, जो मामले थे, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं, और आज भी अब्दुल करीम टुंडा बरी हुए हैं। इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी माना है, सजा के ऊपर थोड़ी देर के अंदर बताया जाएगा। अच्छा, टाडा कोर्ट में जो फैसला सुनाया है, क्या आधार था इसको लेकर इन्होंने? देखिए, संपूर्ण तो न्यायालय का निर्णय आने के बाद ही बताया जा पाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि माननीय टाडा न्यायाधीश राजस्थान अजमेर ने
अब्दुल करीम टुंडा को उसके ऊपर लगाए गए सारे आरोपों अपराधों से दोषमुक्त कर दिया है, बरी कर दिया है, एक्विटल कर दिया है। अब्दुल करीम आईपीसी की धारा 302 थी, टाडा एक्ट की धाराएं थी, रेलवे एक्ट की धाराएं थी, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट की धाराएं थी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का था, अवैध हथियारों का, विस्फोटों का और उनका सारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने इस टोटल मामले को लेकर के अब्दुल करीम टुंडा को बेस बनाया था। और बेस ये बनाया था कि साहब अब्दुल करीम टुंडा ने सभी मुलजिमान को बम बनाना सिखाया और अब्दुल करीम टुंडा के से प्रेरित होकर के इन लोगों ने विभिन्न ट्रेनों में बम रखे। अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने बरी कर दिया है। दौरान आर्ग्यूमेंट सीबीआई के वकील साहब कई बार ये कहते थे इस पूरे मामले